अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ईवीएस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। सभी बच्चे अपनी ईवीएस की बुक्स ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 39 से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था। ईवीएस में चैप्टर नंबर 8 का नाम था वाटर इन लाइफ। आज पेज नंबर 39 से स्टार्ट करेंगे, इनलैंड वाटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्स, पॉन्ड्स एंड रिवर्स आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनलैंड वाटर सिस्टम्स। दे आर फ्रेश वाटर बॉडीज। लेक्स किसे कहते हैं? झील को। पॉन्ड्स कहते हैं तालाबों को, और रिवर्स कहते हैं नदियों को। ये डिफरेंट सोर्सेज हैं इनलैंड वाटर सिस्टम के, यानी ज़मीन पर जो पानी होता है उनके अलग अलग सोर्सेज हैं। दे आर फ्रेश वाटर बॉडीज, और इनके अंदर जो पानी होता है वो कैसा होता है? फ्रेश होता है। फ्रेश वाटर बॉडीज हैं ये सारी। पॉन्ड्स इज एन एरिया ऑफ वाटर स्मॉलर देन अ लेक। पॉन्ड जो है, यानी पॉन्ड कहते हैं तालाब को, ये लेक से छोटे होते हैं। लेक होती है झील, उससे छोटे होते हैं जो तालाब होते हैं। इट मे बी नेचुरल और मैन मेड, और ये नेचुरली भी होते हैं तालाब और मैन मेड भी होते हैं, यानी जिन्हें लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से बना लेते हैं, जैसे पशुपालन के लिए या मछलियों को पालने के लिए। तो इसलिए ये मैन मेड भी होते हैं जो पॉन्ड होते हैं तालाब। सम पॉन्ड्स ड्राई अप ड्यूरिंग द समर सीज़न, और कुछ तालाब तो समर सीज़न में यानी गर्मियों के मौसम में सूख भी जाते हैं, उनका जो पानी होता है वो सूख जाता है। नेक्स्ट है, लेक इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड। जो लेक होती हैं वो पॉन्ड से बड़ी होती हैं, इसका एरिया ज़्यादा होता है, इसके अंदर पानी भी ज़्यादा होता है। ए लेक इज़ बिगर देन अ पॉन्ड, और जो लेक होती है वो तालाबों से बड़ी होती है। नेक्स्ट है रिवर। रिवर इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। रिवर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है फ्रेश वाटर का। रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियर्स और स्प्रिंग्स इन द माउंटेन्स। और ये जो रिवर्स होती हैं ये कैसे बनती हैं? जो ग्लेशियर्स होते हैं, बर्फ़ के जो पहाड़ होते हैं, और जो स्प्रिंग्स होते हैं यानी जो झरने होते हैं माउंटेन्स पर, उनसे ये क्या होती हैं, वहाँ से ये निकलती हैं। द पॉइंट वेयर रिवर बिगिंस इज कॉल्ड इट्स सोर्स। और वो पॉइंट जहाँ से ये शुरू, जहाँ से इनकी शुरुआत होती हैं, वो वही इनका सोर्स होता है। द सोर्स ऑफ रिवर गंगा इज गंगोत्री ग्लेशियर। एक गंगा नदी के बारे में तो जानते होंगे ना सब, गंगा जमुना के बारे में। तो जो गंगा नदी है ये कहाँ से स्टार्ट होती है, यानी ये कहाँ से शुरुआत होती है इसकी? गंगोत्री ग्लेशियर से। नेक्स्ट है, ए रिवर में बिगिन इट्स जर्नी एज अ स्मॉल स्ट्रीम और अ स्प्रिंग। जो नदियाँ होती हैं इनकी शुरुआत, इनकी जो जर्नी होती है वो कैसे स्टार्ट होती है? पतली पतली नालियों से, नाले से होते हैं, वहाँ से ये स्टार्ट होती है। यानी अगर आप देखेंगे, आप एक ग्लास में अगर पानी लेंगे, उस पानी को आप ज़मीन पर डालेंगे, तो वो पानी क्या होगा, वो अपना रास्ता खुद बना लेगा, एकदम जैसे कहते हैं ना पतली पतली नालियों की फॉर्म में खुद अपना रास्ता बनाकर चलेगा, है ना, जो पानी होता है। तो इसी तरीके से ये जो नदियाँ होती हैं ये स्मॉल स्ट्रीम की फॉर्म में होती हैं या स्प्रिंग की फॉर्म में होती हैं, झरनों की फॉर्म में। समटाइम्स रिवर्स ब्रांचेज आउट इनटू स्ट्रीम्स और फॉल वर्टिकली फ्रॉम अ हाइट फॉर्मिंग वाटरफॉल। कभी कभार ये जो नदियाँ होती हैं ये ऊंचाई से क्या होती है? ऊंचाई से गिरती हैं, और जो अदर स्ट्रीम्स होती हैं या और जो नदियाँ होती हैं उनमें मिल जाती हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है वाटरफॉल। ये देखिए, ये जो पूरा डायग्राम, ये जो पूरी पिक्चर दी गई है, ये किसकी है? ये वाटरफॉल की है। ऑल रिवर्स फाइनली फॉल इनटू द सी। और जितनी भी नदियाँ होती हैं ये सारी कहाँ पर जाकर मिलती हैं? समुद्र में जाकर मिलती हैं, है ना। सम ऑफ इंडियाज बिगेस्ट रिवर्स लाइक द गंगा। कुछ बड़ी बड़ी नदियों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं जो भारत में हैं, जैसे कि गंगा, जमुना एंड द ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र ये भी नदी का नाम है। ओरिजिनेट इन द हिमालयाज, और इनकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? हिमालय से, हिमालय के जो पहाड़ हैं ना वहाँ से। दीज रिवर्स गेट वाटर फ्रॉम द मेल्टिंग ऑफ स्नो फ्रॉम द माउंटेंस। और ये जो नदियाँ होती हैं ये कैसे बनती हैं? जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं, जो स्नो के जो पहाड़ होते हैं ना, जब वो पिघलते हैं तो उनसे
उनसे पिघलने के बाद जब बर्फ़ पिघलता है तो पानी बनता है, तो वो जो पानी होता है वो नदियों में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें तब्दील हो जाता है। थस दे कैरी वाटर थ्रू आउट द ईयर, और जो बर्फ़ होते हैं उनको पिघलकर पानी बनने में साल भी लग जाते हैं, है ना। दीज रिवर्स आर कोल्ड स्नो फेड रिवर्स, और इन नदियों को क्या कहा जाता है, स्नो फेड रिवर्स कहा जाता है। स्नो फेड रिवर्स यानी बर्फीली नदियाँ, क्योंकि बर्फ़ के जो ग्लेशियर्स होते हैं उनको पिघलने के बाद इन नदियों का पानी जो है वो बनता है, तो इसलिए इनको स्नो फेड रिवर्स कहा जाता है, बर्फीली नदियाँ कहा जाता है। नेक्स्ट है, सम रिवर्स डिपेंड ऑन रेन फॉर वाटर, और कुछ नदियाँ जो हैं वो बारिश के ऊपर डिपेंड होती हैं, यानी जब बारिश से, जैसे अभी आपको पता होगा जो जमुना है, जमुना में पानी चढ़ रहा है, तो बारिश की वजह से चढ़ रहा है क्योंकि बारिश ज़्यादा हो रही है, तो कुछ नदियाँ जो हैं वो बारिश के पानी पर डिपेंड होती हैं। दीज आर कोल्ड रेन फेड वाटर्स, और उन नदियों को क्या कहा जाता है, रेन फेड रिवर्स कहा जाता है। तो बारिश के पानी से इन नदियों में पानी आता है, तो इसलिए इनको रेन फेड रिवर्स कहा जाता है। दीज रिवर्स कैरी वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, इन नदियों में पानी कब होता है, जब बरसात का मौसम होता है तब। दे ऑलमोस्ट ड्राई अप ड्यूरिंग द समर्स, और ये गर्मियों में ज़्यादातर सूख जाती हैं नदियाँ, और जब बरसात होती है, बरसात के मौसम में इनका जो पानी होता है वो फुल लेवल तक पहुँच जाता है। द गोदावरी, और ऐसी नदियों के नाम क्या क्या हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी आर रेनफेड रिवर्स। दे ओरिजिनेट इन द डेक्कन प्लेट्यू ऑफ साउदर्न इंडिया, और ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, डेक्कन प्लेट्यू से, यानी दक्कन के पठार से, जो साउथर्न इंडिया में हैं, इंडिया के साउथ पार्ट में। नेक्स्ट है, अपार्ट फ्रॉम दीज नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर, डैम्स आर बिल्ट ऑन लार्ज रिवर्स टू होल्ड वाटर, इन नदियों के अलावा और भी नेचुरल सोर्सेज हैं जिनको डैम्स कहा जाता है, डैम्स बनाए जाते हैं, है ना, जिसमें पानी को रोका जाता है। डैम्स कलेक्ट वाटर इन अ रिजर्वायर और आर्टिफिशियल लेक, और ये जो डैम्स होते हैं इसमें पानी को इकट्ठा करके रखा जाता है, इनको आर्टिफिशियल लेक भी कहा जाता है, क्योंकि ये इंसानों से बनाए, यानी जो मानव होते हैं वो बनाते हैं इनको, जो इंसान होते हैं, जो लोग होते हैं वो बनाते हैं। वाटर फ्रॉम अ रिजर्वायर इज़ यूज फॉर इरीगेशन, और जो पानी रिजर्व करके रख लेते हैं, कलेक्ट करके रखते हैं, उसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, समटाइम इरीगेशन के लिए किया जाता है, फसलों की सिंचाई के लिए किया जाता है, एंड समटाइम इट इज़ प्योरीफाइड एंड सप्लाई टू हाउसेज, और कभी कभार इस पानी को प्योरीफाई करके घरों तक भी पहुँचाया जाता है। नेक्स्ट है, कैनाल्स, कैनाल्स आर मैन मेड वाटरवेज, ये जो कैनाल्स होती हैं ये भी मैन मेड वाटरवेज होती हैं, यानी ये भी हम इंसानों द्वारा, मानव द्वारा बनाई जाती हैं, यूजुअली कनेक्टिंग एग्जिस्टिंग लेक्स, रिवर्स और ओशियन, और ये आमतौर पर किससे कनेक्ट होती हैं, जो झील होती हैं, जो नदियाँ होती हैं, जो समुद्र होते हैं उनके पानी से कनेक्ट होती हैं। देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ कैनाल्स, और ये जो कैनाल्स होती हैं ये भी दो तरीके की होती हैं, एक होती है इरीगेशन कैनाल्स फॉर द डिलीवरी ऑफ वाटर, जो इरीगेशन कैनाल्स होती है उसका काम होता है फसलों की सिंचाई करने का, तो ये किसान बनाते हैं इरीगेशन कैनाल्स। आपने देखा होगा जहाँ पर भी फसल होती हैं वो वहाँ पे नालियाँ सी बना देते हैं पतली पतली, और जब वो पानी छोड़ते हैं तो उन नालियों के ज़रिए से वो जो पानी होता है वो पूरे खेत में चला जाता है। अगर आपने एक मूवी देखी हो, सॉरी नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कई सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें इरीगेशन कैनाल्स दिखाई जाती हैं, जो यानी जिन फिल्मों में खेती का सिस्टम दिखाया जाता है ना, तो उसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से वो खेत में नालियाँ बनाते हैं खेत के चारों तरफ बीच में, और पानी छोड़ते हैं, और फिर वो पानी जो है वो उन नालियों से होकर पूरे खेत में चला जाता है ना, सारी फसलों तक पहुंच जाता है। और सेकंड है, ट्रांसपोर्टेशन कैनाल्स फॉर पैसेज ऑफ गुड्स एंड पीपल्स, और दूसरी टाइप की कैनाल होती है ट्रांसपोर्टेशन कैनाल, इससे क्या करते हैं, किसी भी सामान को या लोगों को, जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या सामान को एक शहर से दूसरी शहर पहुंचाया जाता है, तो उसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन कैनाल। तो बाकी का इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उम्मीद है आपको समझ आया होगा, अच्छा लग रहा होगा चैप्टर। थैंक यू वेरी मच, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।